हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूं, बल्कि कुछ किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जो कि मेरे काफ़ी काम आते हैं। आई होप ये वीडियो आपके भी काम आएगी। तो चलिए देख लेते हैं टिप्स। सबसे पहला किचन टिप है मेरा ये ऑयल बॉटल का। जो भी हम ऑयल बॉटल या कोई भी ऑयल की चीज़ें जिस बर्तन में रखते हों, उसे किसी भी पुराने ट्रे, जो भी हमारे घर में पुराना ट्रे हो, उसको हम यूज़ में ला सकते हैं। उसके ऊपर अगर हम ऑयल बॉटल और जिसमें ऑयल रखते हैं उसे यूज़ करेंगे, तो हमारे नीचे का फ्लोर अच्छा क्लीन रहता है और उसे हम ट्रे को हटा के कभी भी क्लीनिंग कर सकते हैं और फिर से उसे हम उस जगह पर रख सकते हैं। तो कभी भी ऑयल गिरा तो नीचे दाग धब्बा होने का चांस नहीं रहता है। और जब भी हमें लगे तो ट्रे को हम धो भी सकते हैं और ये देखने में अच्छा भी लगता है। अगला किचन टिप है, शक्कर अक्सर बारिश के सीज़न में गीला हो जाता है, उसमें मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि उसमें 5 से 6 इलायची लेके डब्बे में हमें डाल देना है, जिसकी वजह से कभी भी हमारे शक्कर में मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा। इस ट्रिक को आप ज़रूर यूज़ में लाना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगला किचन टिप है ये मिक्सी के जार को लेके। मिक्सी के जार को ज़्यादा यूज़ होते होते वो अंदर से ऐसे गंदा हो जाता है, अंदर की तरफ उसमें फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और नॉर्मल क्लीनिंग करने पे वो निकलते नहीं हैं। तो इसके लिए हमें इसे डीप क्लीनिंग करना चाहिए, जिसके लिए उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉशर। इसे डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 मिनट के लिए मिक्सी को चला के ले लेंगे, उसमें झाग बनने देंगे जो भी हमने डिशवॉशर डाला है, और झाग बनने के बाद फिर इसे हम पानी से अच्छे से धो लेंगे। देखिए इस तरह से पानी से धो लेने के बाद देखिए मिक्सी का जार कितना क्लीन हो गया है। जो अंदर के तरफ कुछ भी फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। ये प्रोसेस आप हो सके तो जब हम मिक्सी के जार को यूज़ कर रहे हैं उसी टाइम पे हम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट किचन टिप है ये सीज़र को लेके। सीज़र हमारे किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और धीरे धीरे इसका धार जाने लगता है और इतनी छोटी कैंची को हम धार नहीं करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ऐसे हमें फॉइल पेपर लेना है और उसे ऐसे 3-4 फोल्ड करके लगातार इस पर ऐसे कैंची चलाते रहना है। जितना हो सके आप उसे 2 से 3 मिनट तक इस तरह से फॉइल पेपर पे कैंची चलाते रहें, तो आप देखेंगे कि इसमें धार बनने लगेगा। ये किचन टिप आप ज़रूर यूज़ करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से लगातार कैंची को फॉइल पेपर पे जितना हो सके छोटा से छोटा टुकड़ा उसका कर डाले फॉइल पेपर का, तो पूरी तरह से अच्छे से कैंची में धार बन जाएगा। 2 से 3 मिनट में देखिए फॉइल पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। इसे भी हमें लगातार ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक करेंगे तो अच्छी धार हमारे कैंची में बन जाएगा। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर यूज़ करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये ट्रिक कैसी लगी। मेरा नेक्स्ट किचन टिप है ये बादाम को लेके। बादाम के छिलके निकालने में बहुत तकलीफ़ होती है। अगर हमें इसे छिलकों को निकालना हो तो काफ़ी टाइम तक हमें इसे पानी में भिगा के रखना पड़ता है। अगर आपको तुरंत छिलके निकालना हो तो आप किसी भी बर्तन में पानी रखें और पानी को अच्छा उबाल आने दें, और जब पानी में उबाल आ जाए तो हमें बादाम को उसमें डाल देना है और गैस बंद कर देना है और 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही सेट होने देंगे। 5 मिनट गर्म पानी में बादाम रखने के बाद आप देख सकते हैं बादाम कितना फूल गया है, और मैंने इसमें का पानी चेंज कर दिया है, इसमें अब मैंने ठंडा पानी रख दिया है। और देखिए इसे हम ऐसे आसानी से प्रेस करेंगे और ये पूरे छिलके आराम से निकल जाते हैं। इस तरह से बहुत ही आराम से ये काम हम कर सकते हैं और हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो देखिए इस तरह से सभी छिलके हम निकाल सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, कभी भी हमें ज़्यादा बादाम जब छीलना हो तो ये ट्रिक हम यूज़ में ला सकते हैं। कभी भी इस तरह से आप छील के और इसे थोड़ी देर अगर बादाम को रख देंगे तो वो फिर से ड्राई हो जाती है। देखिए इस ट्रिक से बादाम के छिलके कितने आसानी से निकल गए हैं।
मेरा अगला किचन टिप है नींबू को लेके। नींबू सीजनल होता है तो सस्ते मिलते हैं, नहीं तो ये नींबू बहुत ही महंगे आते हैं और इसे हमें हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है नींबूओं की। और जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में नींबू ख़रीदते हैं तो फ्रिज में रखने पे वो सूख जाते हैं, ऊपर से वो हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें से जूस नहीं निकाल पाते। तो इसे फ्रेश रखने के लिए क्या करना है हमें, कोई ऐसे आप टिश्यू पेपर ले या न्यूज़पेपर ले, उसमें नींबूओं को रैप कर दे। इस तरह से सभी नींबूओं को रैप करके हम जब फ्रिज में रखेंगे तो ये नींबू आप 10 से 15 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये फ्रेश के फ्रेश बने रहेंगे। और इसे सभी नींबूओं को ऐसे रैप कर लेने के बाद जो भी हम फ्रिज में सब्जी रखने के लिए बैग यूज़ करते हैं उसमें करके फ्रिज में रख दें। जो भी मैंने आपको सभी ट्रिक्स बताए हैं ये पर्सनली मैं इस तरह से अपने किचन में यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको सबसे बेस्ट टिप्स कौन सा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना कि वो भी इनमें से कुछ टिप्स को फॉलो करके उनके भी किचन का काम आसान हो सके। और आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का भी बटन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।